Hi, I'm Visheshta Mehan. Welcome to my life page. Today, I'll be talking about the handwriting analysis. Before that, let me give you my introduction. I've done my schooling from Convent of GS in Mary, and now I'll be pursuing MBBS. So I came here a little while ago and with my mother. She's a psychologist. So yahan aake I started reading handwritings. I saw my mother reading and writing, and then एकदम से इंटरेस्ट हुआ उसमें मेरे को और मैंने भी सोचा कि मैं उसको सीखती हूँ और फिर मैंने उसको सीखा यहाँ पर एंड नाउ अब मैं हर रोज़ यहाँ पर शाम को आती हूँ और यहाँ पर बच्चे आते हैं शाम को 4 to 6 उनको देखती हूँ और उनकी हैंडराइटिंग एनालाइज करती हूँ जिसकी हर पर्सन की जो मेंटालिटी है वो सबकी डिफरेंट होती है तो जब हम लिख रहे होते हैं उस टाइम पे आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज वर्किंग और लेफ्ट नहीं होता तो आपके जो सबकॉन्शियस में थॉट्स होते हैं सब होता है वो आप लिखते हैं तो जब आप लिख रहे होते हैं किसी चीज़ को तो उसके बेसिस पे कि आपका स्लैंट कैसा है आपकी लेटर फॉर्मेशन कैसी है उसके बेसिस पे हम आपको बता सकते हैं कि आपका कैरेक्टर एक्चुअली आप है कैसे इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है या आप स्पेस देते हैं नहीं देते हैं एंड वो चीज़ आगे जाके हमें बहुत हेल्प करती है आपकी साइकोलॉजी में आपकी काउंसलिंग करने में अगर कोई चीज़ गलत लगती है हमको तो हम उसको आपको ट्रैक पे लाने के लिए उस पर वर्क करते हैं फर्स्ट इज हैंडराइटिंग नॉलेज तो उसमें आपको डिसाइफर करना आना चाहिए कि आप इंसान कैसा हैंडराइटिंग उसकी है कैसा लेटर फॉर्मेशन है कैसे वो वर्ड्स लिख रहा है किस तरह से लिख रहा है और उसमें कितना उसकी सबसे पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप जब ले रहे हैं किसी की हैंड राइटिंग तो एक वाइट ब्लैंक शीट होनी चाहिए लाइंड अगर शीट है तो उस पर आपको पता नहीं चलता है आप उसमें एग्जैक्टली बता नहीं सकते हैं एक्यूरेटली तो जब वो शीट होती है तो आप उसमें देखते हैं कि कितना बैलेंस है कितना स्टेबिलिटी है इंसान में तो आपको ये सब चीज़ें तो सबसे पहले आनी चाहिए कि आप ये देख सकें ईजीली और एनालाइज कर सकते हैं उसको तो इसमें जो सबसे पहली स्किल है वो होनी चाहिए एनालिटिकल स्किल तो उसके लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए एनालाइज करना जो बंदा आपके सामने बैठा है उसको देख के आप कैसे रीड कर रहे हैं उसको उसके बाद जो उसने लिखा है उसको कैसे आप रीड कर रहे हैं द फर्स्ट इज गेटिंग टू नो अदर पीपल जैसे कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूज के लिए आप जा रहे होते हैं तो वहां पर आपसे पूछा जाता है कि हैंड रिटन नोट देने के लिए दे आस्क यू जस्ट बिकॉज कि वो आपकी हैंड राइटिंग रीड कर सके और उन्हें पता चले कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हेडेड हैं कितने इंडिपेंडेंट हैं और जो चीज़ की उनको रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें आप में है कि नहीं सो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव इज दिस कि आप किसी की हैंड राइटिंग पढ़ के ही उस इंसान को जान सकते हैं और वो आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आप डिसीजन ले सकते हैं उस बेसिस पे और आप कोई गलत जजमेंट पास नहीं करोगे उसके लिए अगर आप एक्यूरेट नहीं है और आप अगर गलत बता रहे हैं तो कई बार ये होता है कि अगर आपने कुछ गलत बताया है नेगेटिव चीज़ तो वो इंसान के माइंड में बैठ जाती है और फिर वो इंसान उसके बारे में सोचता रहता है और कहीं ना कहीं वो उसके जैसा बन जाता है तो अगर आप किसी को गलत चीज़ बता रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है वो उसका डिस्ट्रक्शन कर रहा है एक तरीके से एंड इट्स नॉट एट ऑल कंस्ट्रक्टिव तो आपको एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है अगर किसी चीज़ के बारे में आप डाउटफुल हैं तो वो चीज़ आप बोले ना तो ज़्यादा बेटर होगा तो वैसे इतनी ज़्यादा टफ जॉब है नहीं सो इट्स ऑल अबाउट फन यहाँ पर शाम को बच्चे आते हैं तो निगाह टू मी और फिर वो मेरे को हैंड राइटिंग लिख के देते हैं तो मैं उनके बारे में बताती हूँ क्या सही है क्या गलत है इवन जब सुबह मॉर्निंग में पेशेंट्स आते हैं यहाँ पर तो कई बार मैं उनकी हैंड राइटिंग रीड करती हूँ तो जो मैम यहाँ बैठ के मैं उनको बता देती हूँ उनमें ये प्रॉब्लम है तो वो उनके लिए भी ईजी हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ कुछ बता रही हूँ एंड बाकी पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है बस लोगों के हैंडराइटिंग रीड करते हुए एंड देन फ्रेंड्स का ही भेजते रहते हैं मेरे को फ़ोन पे हमारी हैंडराइटिंग रीड करो ये करो इट कीप्स यू बिजी एंड इट मेक्स योर लाइफ एक्साइटिंग दैट्स इट आई होप मैंने आपको इस फील्ड के बारे में एक बैलेंस्ड व्यू दिया होगा एंड आई कुड बी ऑफ सम हेल्प थैंक यू सो मच